हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलने वाला है जो कि आपके दिलो दिमाग पर छाए हुए पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी ओवरऑल थिंकिंग आपको लेकर क्या है, वो आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, वो आपके अंदर क्या बदलाव चेंजेस देखना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उस वजह से वो पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, और वो इम्प्रूवमेंट आप करके अपने उस पर्सन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वो सारी बातें बताऊंगी कि उनका लव लैंग्वेज क्या है, वो क्या लव लेटर देना चाहते हैं, साथ साथ उस पर्सन का आपको लेकर इंटेंशन क्या है, वो फ्यूचर आपके साथ देख भी रहे हैं या नहीं। ये आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, किसी को भी मन में सोच कर, किसी का भी नाम सोच के उस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, मतलब कि अपने लव पार्टनर के लिए इस रीडिंग को आप डेफिनेटली देखें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या होगा, मतलब यहाँ पे 5D मैसेज भी देखेंगे। ठीक है, कि आप दोनों साथ में आए हैं, मिले हैं, तो आखिर क्यों मिले हैं, यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया है, और आपके जो सपने हैं इस पर्सन को लेकर वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो जो भी दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं उनका नाम लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, लाइक करके वीडियोस को। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल ऑरेंज आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, करंट फीलिंग हो, क्रश से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस मंथ का आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर लीजिए। जिस भी टॉपिक पे आप रीडिंग लोगे आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट के साथ मिलेगा। ठीक है, तो देर किस बात की, बुकिंग कीजिए। वीडियो जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। ठीक है, स्क्रीन पे भी शो किया है, ध्यान में रखिएगा, नंबर नहीं देती हूँ, आप अवेयर रहें। वेल, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज वाले, मतलब आप कोई भी हो, आप आराम से देखिए, अपने क्रश के लिए, अपने लव पार्टनर के लिए, हस्बैंड वाइफ, जिसके लिए आप देखना चाहते हो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले, अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और पाइल 1 जो आपके लिए कार्ड है वो है प्लेफुलनेस का कार्ड है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, तो आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और जो कार्ड है आपके लिए वो है आपका फ्रेंडशिप का, दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके, सो आपको जो है इंटिट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल वन, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड को जो है प्लेफुलनेस का कार्ड। सो मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो मन में चल रहे पर्सन है वो आपके बारे में क्या थिंकिंग करते हैं, क्या सोचते हैं, आपको ये किस नज़रिए से देखते हैं, आपको क्या मानते हैं। बिल्कुल, आप सभी लोगों को पॉजिटिव हो जाना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना है, अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए। ठीक है, फर्स्ट कार्ड, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, तो जल्दी से बुकिंग कीजिए जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। जिस भी टॉपिक पे आप रीडिंग चाहेंगे आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी, वो भी ग्रेटेस्ट डिस्काउंट के साथ। तो देर किस बात की, जल्दी से बुकिंग कीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स लिया है, यहाँ पे इन सारे कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन आपको किस नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, आप उनको कैसे लगते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे एक कार्ड और, वो है आपका फोर्थ। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स यहाँ पे आ गए, 4 कार्ड्स मैं और भी लूँगी जो मैं आपको बताऊँगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, दोनों ही चीज़ें देखी जाएगी ताकि आपको फुली गाइडेंस मिल सके और आप सही से स्टेप ले सके अपने पर्सन के तरफ। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं एंड सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है आपका, वो है प्लेफुलनेस का, क्योंकि आपने इस कार्ड को भी सेलेक्ट किया है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपके अंदर अच्छा नोटिस करते हैं
वो ये है कि आप हंसते बहुत अच्छे से हो, ठीक है, आपकी स्माइल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। मतलब इन्होंने हज़ार बार आपको बोला भी होगा कि तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तुम हंसते हुए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, तुम्हारा स्माइल, तुम्हारा लाफ्टर एक बेस्ट थेरेपी की तरह है मेरे लिए, ठीक है, तुम्हारे अंदर जो प्लेफुलनेस है, तुम्हारे अंदर जो चाइल्डलेस एनर्जी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा भाता है, ऐसा ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। तो यस, डेफिनेटली आपका हंसना बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता होगा, सिर्फ इस पर्सन को नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपका स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है और इस पर्सन को स्पेशली आपका स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका हंसना जो है इनको एकदम हील कराता है। इस पर्सन को डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीलर लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि आपसे एक बार बात कर लेने के बाद या आपके प्यार को पाने के बाद ये पर्सन एकदम बिल्कुल हील हो जाते हैं। ग्रेटेस्ट हीलिंग इस पर्सन को अंदर से मिलता है, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना आपके साथ सच में बहुत ज़्यादा फन करना चाहते हैं, इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आपकी भी एनर्जी कुछ इस तरह ही है, ठीक है। मतलब जब भी ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो इनकी इनर चाइल्ड हीलिंग होती है। ये पर्सन एज वेल एज आपके साथ रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। मतलब ये जो पर्सन है आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो क्वालिटी टाइम स्पेंड ही करना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा रोमांस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो मैं आपको कार्ड्स के थ्रू लव लैंग्वेज भी बताऊँगी कि वो फ्यूचर कैसा चाहते हैं और क्या उनका लव लैंग्वेज है। तो सबसे पहले आपका हंसना, आपके अंदर प्लेफुलनेस की एनर्जी होना, बच्चों की तरह बिहेव करना, क्यूट सा बोलना, ये सब इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ साथ आप काफ़ी फनी भी है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा लगता है। आप इनको हंसाते हो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता है जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, ठीक है, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है, लेकिन आप इनको हंसा दिए ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर मानते हैं। उसके बाद एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई भी इनको क्या प्यार नहीं कर सकता, आपसे ज़्यादा कोई भी जो है इतना ज़्यादा लविंग ब्यूटीफुल पर्सन नहीं हो सकता। तो आप इनको एक क्वीन की तरह, प्रिंसेस की तरह या किंग कह सकते हैं, प्रिंस की तरह लगते होंगे, ठीक है। ट्रीट इन्होंने शायद नहीं किया हो, उनको मौका ना मिला हो, लेकिन हाँ इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा क्यूट से पर्सन लगते हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अभी भी आपके अंदर एक बचपना छुपा हुआ है। कुछ पॉइंट तक इनको वो बचपना बहुत अच्छा लगता है, कुछ पॉइंट तक इनको वो बचपना जो है नहीं अच्छा लगता हो, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जब आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आपका जो इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा प्योर है। आप इनको वाइफ मटेरियल लगते हो, आप इनको हस्बैंड मटेरियल लगते हो, ठीक है। ये पर्सन आपको पार्टीज़ वार्टीज़ में हो सकता मिले हो, या आपके साथ पार्टी करना, फूड करना, ड्रिंकिंग करना, पीना, जो भी है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है, वो सब आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। साथ साथ इंटेंशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये पर्सन जब भी आपके साथ एक नई शुरुआत करते हैं या कभी भी एक नई दिन की शुरुआत होती है तो ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखने को मिला है, इस प्यार में कुछ नया ऐड हुआ है। तो ये पर्सन आपके साथ हमेशा न्यू बिगनिंग फील कर पाते हैं रिलेशनशिप में, न्यू लव सा फील कर पाते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये पर्सन पोटेंशियल नोटिस करते हैं और इनको पता है कि आप जो है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले पर्सन हैं, ठीक है। आप बैठने वाले, रोने वाले, परेशान होने वाले पर्सन नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, हार्ड वर्क करने वाले, गॉड गिफ्टेड टाइप पर्सन इनको लगते हो, ठीक है। आपके पास हो सकता है अबंडेंस हो या हैप्पीनेस का ही अबंडेंस हो, तो ये सब कुछ आपके साथ ये पर्सन सीखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि अगर इंटेंशन की बात की जाए तो ये पर्सन आपके साथ हमेशा रीन्यूअल करना चाहेंगे। आप दोनों के बीच में कितना भी अप्स एंड डाउन्स आ जाए, ये पर्सन आपके साथ ही रहना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर फील कराते हो, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल फील कराते हो। और उसके साथ साथ ऐसा हो सकता है जब आप इनके लाइफ में गए हो, ब्लेसिंग्स की तरह गए हो, जैसे कि बहुत सारा अबंडेंस का आना, अगर अबंडेंस पैसे धन दौलत इनके लाइफ में नहीं भी आए होंगे तो शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल वेलबींग इस पर्सन के लाइफ में आया होगा जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इसलिए ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं।
इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट भी लगते हैं और लविंग भी लगते हैं, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ये जो पर्सन है, इनको अभी के टाइम में ऐसा फील हो रहा है कि अभी तो हम फर्स्ट स्टेज पे ही हैं, जैसे कि एक हनीमून पीरियड हो उस स्टेज में है। अभी तो हम इस रिलेशनशिप में हमें सीखना बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। लेकिन शुरुआत से ही ये पर्सन आपके साथ समथिंग ब्यूटिफुल सा फील कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस पर्सन को बिल्कुल रोज़ फ्लावर की तरह आप दिखते हो, लगते हो, बहुत ज़्यादा जॉयफुल लगते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस ये पर्सन फील कर पाते हैं आपके सराउंडिंग में, आपके प्रेजेंस में, ठीक है। और इनको अपने लाइफ को सेलिब्रेट करने का मन करता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है, देखिए यहाँ पे आपके साथ इनको पता है आप ही वो इंसान है जो कि इनको एक लविंग रिलेशनशिप दे सकते हैं। तो ये कहना भी चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे नेचर, काइंड नेचर के वजह से, तुम्हारे कंपैशनेट होने के वजह से, सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि और सभी के साथ इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नेचर होने के वजह से, मैं तुम्हारे साथ एक बहुत लविंग रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तुम जहाँ भी चले जाओ मैं वहीं जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वहीं रहना चाहता हूँ। वेयर एवर यू गो मैं भी साथ साथ चलूँगा, मैं भी साथ साथ चलूँगी। ऐसा एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और आपके जो पर्सन है, हो सकता है इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा नर्चर किया है, पैम्पर किया है, इसी वजह से ये कहना चाहते हैं मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, ठीक है। मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग आए लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट तुम हो, तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको लेकर कुछ वक्त के लिए रूड हो गए थे, जिसके लिए आप इस रिंग को देख रहे हैं, लेकिन वो पर्सन अब काइंड हार्टेड नेस पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनके दिल में दया आती हुई दिखाई दे रही है। वो सिचुएशन फिर से बेटर करने की, अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दरार आ चुका है तो बहुत जेंटल वे में वो आपके लाइफ में इंटर करेंगे और बहुत नॉर्मली ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को बेटर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन हो सकता है कि आपके दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड्स से, ठीक है, सभी के साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, अच्छी दोस्ती क्रिएट करेंगे, कल्टीवेट करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि हो सकता है कि आप ना मानो तो पहले वो आपके दोस्तों के थ्रू आपके लाइफ में इंटर करने की कोशिश करें। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में इंक्वायरी करते हो आपके दोस्तों से, ठीक है, आपके बेस्ट फ्रेंड से, आपकी फैमिली से भी आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मतलब हो सकता है इन्होंने बहुत सारी इंक्वायरी की है, उसके बाद भी इस पर्सन को यही पता चला कि आप बहुत अपने जवान के पक्के हो, जो बोलते हो वो करते हो, उसके साथ साथ आपके अंदर स्वीटनेस कूट कूट के भरा है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। ये सारी बातें इस पर्सन को पता चली है आपके बारे में। उसके बाद यहाँ पर आपका कार्ड है 3 of Wands, ठीक है। 3 of Wands मुझे ऐसा लग रहा है जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस पर्सन से हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिले हैं। खैर कोई भी रिश्ता हो, ऑनलाइन मिले हो या ऑफलाइन मिले हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का पर्पस है कि वो आपके साथ अपने लाइफ को एक्सप्लोर करे। अगर इंटेंशन की बात की जाए तो यस, ये पर्सन अपने लाइफ को आपके साथ क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अभी तक जितना इस उम्र में सीखना था उन्होंने सीख लिया, लेकिन अब आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं और इस लव को, इस रिलेशनशिप को बाउंडलेस लव बनाना चाहते हैं। मतलब अनलिमिटेड लव हो, अनलिमिटेड प्यार हो, जैसे कि यहाँ पे देख पा रही हो। इनको ऐसा लगता होगा कि आप ऐसे इंसान हैं जिससे अगर आप प्यार किए तो उसमें आप कोई बाउंड्री बना के नहीं रखेंगे, आप बेइंतहा प्यार करेंगे और बहुत ज़्यादा लव करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, आपके पर्सन आपके अंदर ये चीज़ नोटिस करते हैं कि ये इंसान एकदम पक्की है, ये बंदा एकदम सही है, राइट है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके अंदर वो सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब आप इनकी किसी दोस्त के साथ, ठीक है, फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड के साथ, जिसके साथ भी आप देखते हो, तो आपको थोड़ी सी जेलिसी फील होती होगी, ठीक है, आपको थोड़ा सा इनसिक्योर सा फील होता होगा, और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं और इनको बहुत अच्छा फील होता है कि चलो जो मेरी पार्टनर है वो एटलीस्ट मुझे वैल्यू तो करती है, तभी तो वो जेलस फील कर रही है। अगर उसको मन मतलब नहीं होता मेरे से तो वो क्यों जेलस फील करती है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस, आपका जेलस फील करना इनके दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड, जिससे भी, ये भी इनको बहुत अच्छा फील कराता है, ठीक है। इनके लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव हो, इनके लिए आप बहुत सेंसिटिव हो, इनके साथ एक बाउंडलेस लव क्रिएट कर रहे हो या करना चाहते हो या देना चाहते हो उस तरह का प्यार, और एक्सप्लोर करना चाहते हो, दुनिया को जीना चाहते हो उस पर्सन के साथ, देखना चाहते हो, तो वो सब चीज़ आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि इस पर्सन के लिए आप ग्रेट फॉर्च्यून तो हो, गुड फॉर्च्यून तो हो, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन को क्लियर क्लियर पता है कि आप दोनों का जो सपना है वो एक जैसा है, दोनों मिलके एक सपने को पूरा करोगे। उसके साथ साथ आपका ट्रू एंड प्योर इंटेंशन लगता है इनको, ठीक है। आपके बारे में अभी तक कुछ भी निगेटिव नहीं दिखाई दे रहा जो सोचते हो, लेकिन एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप जो है बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, वो अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी सीरियस सिचुएशन में भी आप बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, इनकी बातें नहीं समझते, नहीं मानते या समझने का टाइम नहीं देते हैं, तो इनको उस टाइम बुरा लगता है। उस टाइम ये चाहते हैं कि क्यों नहीं तुम मुझे समझ रही हो, ठीक है, मैं तो तुम्हें सब कुछ मानता हूँ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े अप डाउन होते हैं, तो उस वक्त आप इस पर्सन को सुनने के लिए रेडी नहीं होते हो, उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा खराब फील होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या एनर्जी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 7 of Pentacles, इस पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव पर्सन और बहुत ज़्यादा सोचने वाले, गहराई में जाकर सोचने वाले इंसान लगते हो, ठीक है। आप के जो ये पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आप अकेले भी अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, ठीक है। आपके पास्ट के बारे में भी ये पर्सन सोचते हैं, शायद आप अपने पास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरे हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आपके पास्ट से निकाल के हील करना चाहते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, ये पर्सन जो है ना, ये जानते हैं कि आप बड़ी चीज़ों की तलाश में रहते हो, ठीक है, जबकि आपको छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने लाइफ में इंजॉय करना चाहिए, ये ऐसा आपको समझाना चाहते हैं। तो कभी कभी ये पर्सन आपको दुखी देखते हैं तो इनको बहुत खराब फील होता है। ये चाहते हैं कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, आपको अपने लाइफ में प्लानिंग करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपके ये जो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे शादी के लिए, आप लड़ाई झगड़े करते हो, आप क्वेश्चनिंग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच में राह जो पाथ है वो अलग हो जाता है कभी कभी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा सैड फील होता है, ख़राब फील होता है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा सा आपको अपने डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी पे वर्क करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा और भी आपको प्योर, मतलब सेंसिटिव टाइप का या फिर इमोशनल टाइप का होना चाहिए, ठीक है। उस वक्त ऐसे तो हो आप, लेकिन उस वक्त स्पेशली होना चाहिए जब आप दोनों को एक दूसरे का समझने का टाइम हो, ठीक है। मतलब कि कभी कोई ऐसा बैड सिचुएशन आया तो आप इस पर्सन को हो सकता है कि और डांट देते हो, फटकार देते हो, तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। उस वक्त ही चाहते हैं कि आप इनके सपोर्ट में रहो, कभी रहो या ना रहो। वैसे यहाँ पे 6 of Swords की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन को दिखा रहा है कि अभी आपके लाइफ का सिचुएशन एक्चुअली में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत सारी बातों को मतलब जान चुके हो एक दूसरे के बारे में, आपके पर्सन के बारे में आपको बहुत कुछ पता चला है और आपके बारे में आपके पर्सन को बहुत कुछ पता चला है, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ों को देखने के बाद आप दोनों जो है एक दूसरे के पास्ट को या फिर दोनों के एक दूसरे के फ्लॉस को एक्सेप्ट करके, ओवरकम करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आप दोनों के बीच में जो ब्रिज टूट चुका है, जिससे आप दोनों कनेक्ट होते थे, वो ब्रिज फिर से जुड़ते हुए, हील होते हुए, ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जितना चैलेंजेस फेस आप दोनों को करना था इस रिश्ते में, रिलेशनशिप में, वो चैलेंजेस आपने फेस कर लिया है और ये रिश्ता यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग जो है इस ट्रबल सम सिचुएशन से ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रिश्ता जो है हील होगा, ग्रो होगा और आप दोनों की जर्नी जो है आगे बढ़ेगी। तो अपने इस जर्नी पे आपको ट्रस्ट रखना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है वो कभी गिव अप नहीं करने वाले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन गिव अप कर दिया है, वो आपको कॉल मैसेजेस करेंगे या नहीं करेंगे, तो ऐसा हो सकता है 6 days के अंदर ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस करें, ठीक है, और आपको इन सारे प्रॉब्लम से हील कराएं, इस प्रॉब्लम से निकालें। क्योंकि ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि यस, आप दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन आया है जिसमें कि आप दोनों अलग हो गए, जिसमें कि आप दोनों बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, ठीक है, लेकिन ये समय आ चुका है, वक्त आ चुका है कि जिसमें कि आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, इस रिश्ते की एनर्जी बैलेंस होगी। आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को, ठीक है, क्या करोगे, ऑनर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे और यहाँ पे रिश्ते में दोनों ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अकेले नहीं, दोनों साथ साथ एक होकर आगे बढ़ने वाले हैं। और जो भी बैड पीपल है, जो भी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। मतलब वो थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन जो है वो आप दोनों के लाइफ से आउट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि आपके जो पर्सन है उनका भी हो सकता है कुछ पुअर टाइमिंग चल रहा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आपका भी कुछ पुअर टाइमिंग चल रहा हो। बस इसको थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेना है, थोड़ा सा फेस कर लेना है, उसके बाद देखिए कितना ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है। अगर फ्यूचर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं कितना फ्यूचर है, ब्राइट है, सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगी, वेडिंग होगा, आप दोनों के बीच में शादी होगी, बेबीज़ होंगे, आप लोग और भी इन्जॉय करोगे,
करोगे और आप दोनों की इनर चाइल्ड हीलिंग भी होगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, द स्टार की एनर्जी है, मतलब ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी होंगे, हैप्पी टाइम्स का कार्ड है। आप खुद ही कार्ड में देख सकते हैं कि यस आप दोनों के बीच में कैसा होगा रिश्ता, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम्स होगा। अगर इंटेंशन ही जानना चाहते हो तो ये पर्सन आपको बिल्कुल ऐसा सोचते हैं, ऐसा फील करते हैं कि मैं इस पर्सन के साथ सही पाथ पे हूँ, ये बहुत पॉजिटिव है, मुझे इसी के साथ रहना है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है आपके साथ होकर बहुत ज़्यादा हैप्पी है, आपके साथ होकर बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, और देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, इनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और इनको आप एकदम परफेक्ट पर्सन लगते हो शादी के लिए। उसके बाद और क्या सोचते हैं, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्कॉलरी, बहुत डिपेंडेबल, बहुत पेशेंस और बहुत सक्सेसफुल टाइप पर्सन लगते हो, और आपके सक्सेस में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके चैलेंजेस में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स को अपना ड्रीम्स बनाना चाहते हैं और उसको पूरा करना भी चाहते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर है आप दोनों का काफ़ी ब्राइट है, लॉन्ग टर्म आप दोनों का रिलेशनशिप होगा, मैरिड लाइफ भी होगा, बहुत सारे लोग जो शादी करना चाहते हैं। अब यहाँ पे है, यू बिलीव और नॉट आई लव यू मोर देन यू नो, तुम मानो या ना मानो, यहाँ पे आप इनका लव लेटर है, वो ये कहना चाहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, बिलीव करो या ना करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, और इतना करता हूँ जितना तुम जानती भी ना हो। ठीक है, उसके बाद ये कहना चाहते हैं, वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स, हम कभी दोस्त थे ही नहीं। हो सकता है अपने क्रश के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त नहीं माना, मैंने तुम्हें हमेशा अपना पार्टनर सोलमेट माना है, अपना लव माना है। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम, जब भी मेरे दिमाग में कुछ भी आता है, ठीक है, सो कर उठूँ सोने जाऊँ तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ख्याल आता है, ठीक है, तुम्हारा नाम मेरे दिमाग में आता है। उसके बाद ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में जो भी चीज़ें हैं, चाहे तुम्हारे अंदर कोई कमी है वो भी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, और तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है वो भी मुझे बहुत पसंद है। लव कैन नॉट बी वन साइडेड, ये कहना चाहते हैं कि लव एक तरफा नहीं हो सकता। ठीक है, इट मीन्स ये कहना चाहते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि एक तरफा प्यार है तो ऐसा नहीं है, तुम अगर प्यार कर रही हो तो डेफिनेटली मैं भी कर रहा हूँ, ये चीज़ आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। अब देखते हैं ये पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी। सबसे पहले इन्ना सोड़ा ओके जानू, और देखते हैं नज़म नज़म, और यहाँ पे आपके लिए है तुझे कितना चाहने लगे। एक लास्ट और देखते हैं कि कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आपको, आपको डेडिकेट करना चाहते हैं तुम ही आना। देखिए इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आपका ही इंतज़ार है, दैट्स वाई इस तरह के ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपको आपके पर्सन डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन का सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही पर्पस है। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपको क्या लव लैंग्वेज अपना बताना चाहते हैं, किस तरीके से आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्या है इस पर्सन का लव लैंग्वेज। तो सबसे पहले ये पर्सन आपको ना लाइक रोमांटिक कनेक्शन भी नहीं, बल्कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो और जो सक्सेस मिले वो इनके वजह से मिले आपको। इस पर्सन का इस तरह का इंटेंशन दिखाई दे रहा है, ये हर वक्त हर एक मोड़ पे आपको इनकरेज करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमेशा चाहते हैं कुछ ना कुछ रीज़न बन के मैं ही तुम्हारे लाइफ में रहूं। उसके बाद ये पर्सन आपके साथ वॉक करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहते हैं और उस तरीके से अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपको हर एक कदम पे अप्रिशिएट करना चाहते हैं। दुनिया में आपके साथ कोई हो या ना हो ये रहना चाहते हैं और उसी तरीके से ये हमेशा आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन आपको छोटे छोटे बातों पे आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से, आपने कुछ इनके लिए एफ़र्ट लगाया, उस एफ़र्ट के बदले ये पर्सन आपको कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये बात आप ध्यान में रखें और पॉजिटिव रहिए। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, और किसी भी टॉपिक पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं क्योंकि पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, स्लॉट लिमिटेड है। बाय, टेक केयर। हेलो पाइल टू, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस फ्रेंडशिप कार्ड को। तो देखते हैं कि आपके जो मन में चल रहे पर्सन है वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर, वो आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, क्या बदलाव, क्या चेंजेस वो देखना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड
सबसे पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि आपको परफेक्ट मैसेज मिले, ठीक है। और उसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और ये आपका इस मंथ का लास्ट ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है और कुछ दिनों में ही ये ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर शो कर दिया है जीमेल एंड इंस्टा आईडी एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड और देंगे, वो है आपका दिस वन, ओके। तो सबसे पहले क्लैरिफाई करते हैं कि इस पर्सन को आप लगते कैसे हो, क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में। देखिए यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि इनको आपका फ्रेंडशिप करने का तरीका या आपके साथ जो फ्रेंडशिप वाली बाउंडिंग है वो इनको बहुत अच्छा लगता है। आप एक बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड सिंसियर पर्सन लगते हो, जो कि अपने फ्रेंडशिप को भी बहुत ईमानदारी से निभाने वाले इंसान लगे हो, ठीक है। इन्होंने हो सकता है अपने लाइफ में कभी भी ऐसे पर्सन को नहीं देखा जो कि अपने फ्रेंडशिप को भी इतने अच्छे से निभाए, और शायद आपने उस फ्रेंडशिप को निभा के दिखाया है कि हाँ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि अच्छे से दोस्ती को भी निभा सकते हैं। तो यस, आप जिस वे में उनके साथ जो फ्रेंडशिप है आपका, हो सकता है क्रश ही हो आपके या कुछ भी हो या हस्बैंड वाइफ ही हो, लेकिन एक फ्रेंडशिप वाली बाउंडिंग भी तो होती है ना, भाई बहनों के बीच में एक फ्रेंडशिप वाली बाउंडिंग होती है। तो वो जो फ्रेंडशिप वाली बाउंडिंग है आपके इस पर्सन के साथ, उस फ्रेंडशिप वाली बाउंडिंग को आपने बहुत ही ज़्यादा पैम्पर किया है, नर्चर किया है, और इतना नर्चर किया है कि ये पर्सन अब फील करने लगे हैं आपके लिए। क्या फील करने लगे हैं? तो ये रिलेशनशिप आपके साथ डेवलप करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार फील करते हैं, और ये पर्सन इस फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में बहुत ड्रामेटिकली वे में चेंज करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपने लाइफ में आज तक कभी भी आपके जैसे इंसान को नहीं देखा होगा जो कि इतना अच्छा लव लाइफ दिया हो, ठीक है। मिले होंगे, कार्मिक से मिले होंगे, लेकिन आप इनको फ्रेंडशिप भी दिए, आप इनको रिलेशनशिप भी दिए, आपने इनको इम्प्रूव भी किया बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन को आपके ऊपर प्राउड फील होता है। मे बी इन्होंने आपको कभी मुंह से बोला नहीं हो, कभी बताया नहीं हो, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए प्राउड फील करते हैं, आपके होने के वजह से ये प्राउड फील करते हैं। इस तरीके से ये पर्सन को आपने प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, इस पर्सन को आपने पैम्पर किया है, नर्चर किया है, और ये भी कहीं ना कहीं आपको इसी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पैम्पर करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को आपको बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड लव है, दोनों तरफ से प्यार है, ये बात जान लो, ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में अगर किसी कारण के वजह से कोई दरार भी है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही जल्दी हीलिंग होने वाली है, और बाउंडिंग सबसे पहले यूनिवर्स के द्वारा जो फ्रेंडशिप वाली बाउंडिंग है वो नर्चर होगी, रिलेशनशिप फिर से डेवलप होगा, और बहुत ड्रामेटिकली वे में इम्प्रूवमेंट आप दोनों के बीच में हो जाएगा, चाहे कितना भी अप्स एंड डाउन्स आया हो, ठीक है। क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा है, उनका भी अच्छा है, ठीक है, इस वजह से। और क्या है यहाँ पे, ओके, सो यहाँ पे एट ऑफ फायर की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत डिले हुआ है, बहुत ज़्यादा, मतलब कभी आप प्रपोज़ करने गए, कभी वो आपको प्रपोज़ करने आए, मन में बहुत सारे थॉट्स आ गए, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है जिसके वजह से आपका ये जो रिश्ता है गेनिंग मोमेंटम, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और एक बार में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत सारे मिराक्युलस चेंजेस, बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव इस रिश्ते में आप देखने लगेंगे, और ये 8 डेज के अंदर हो सकता है। एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन को थोड़ा सा आप प्रोकेस्टिनेट करने वाले, डिले करने वाले, गुस्सा करने वाले, उस टाइप के पर्सन लग सकते हो या लगते होगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप एकदम फायर वाली एनर्जी है, फाइटिंग स्पिरिट है आपके अंदर, आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, ठीक है, और साथ साथ आपका नेचर बहुत वार्म और इंटेलिजेंट भी आप लगते हो, और ये बहुत बड़ी बात है अपने पर्सन के नज़र में इंटेलिजेंट कहलाना या इंटेलिजेंट बन जाना ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी किया है जिसके वजह से आप बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं इनको, और हो सकता है कि ये जो भी सवाल बोलते हैं या जो भी सवाल पूछते हैं उस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत परफेक्ट वे में आप करते हो, परफेक्टली करते हो, या फिर जो क्वेश्चन का आंसर इस पर्सन के पास भी नहीं होता वो आपके पास होता है, दैट्स वाई भी ये पर्सन आपको इंटेलिजेंट मानते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ आपने कमाल किया है जिसके वजह से ये आपकी तारीफ सिर्फ आपके तक नहीं रखते हैं,
ठीक है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने दोस्तों से भी आपके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप इनको ग्रेसफुल, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन लगते हो। आप एक चिड़िया की तरह इस पर्सन को लगते हो, जैसे कि खुलकर जीने वाले, ठीक है, एंजल की तरह लगते हो, दूसरों को गाइड करने वाले और किसी को अंडरस्टिमेट करने वाले नहीं और खुद भी अंडरस्टिमेट नहीं होने वाले। मतलब आप इनको ऐसे लगते हो जैसे कि अगर इन्होंने कुछ कह दिया गुस्से में तो आप भी कहोगे, आप चुप रहने वाले नहीं हो, आप अपने फ्रीडम को छीनने देने वाले नहीं हो। तो ये सारे क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं इस पर्सन को, जिसके जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है आपके अंदर ये सारे क्वालिटीज़। उसके साथ साथ इस पर्सन को और क्या अच्छा लगता है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन को आपका इंडिपेंडेंट होना, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशली हो, किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाता है। दूसरा यहाँ पे यह है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, कोई भी काम को हो सकता है कि आप बहुत क्रिएटिव मैनर में करते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग मैनर में करते हैं, बाकी जो सारे लोग नहीं कर पाते। इवन आपके ये पर्सन जिसके लिए आप रिसीडिंग को देख रहे हो, वो भी उस काम को बहुत क्रिएटिव वे में नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कर लेते हो। दैट्स वाई ये जो पर्सन है आपको ना एकदम लाइक भगवान जैसा ट्रीट करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इस पर्सन को बहुत क्रिएटिव लगते हैं, ये पॉइंट भी है। उसके बाद आप इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा इमोशनल और रोमांटिक इंसान लगते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने अपने इस रोमांस वाली फीलिंग को बहुत बार छिपाया है, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं से नोटिस कर लिया है, क्योंकि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। और जब सोलमेट है तो ये आपकी फीलिंग को क्यों नहीं महसूस कर पाएंगे, तो इन्होंने महसूस किया है। और हो सकता है किसी सोशल इवेंट में आप इस पर्सन से मिले हो, या हो सकता है कि कुछ ऑनलाइन सेमिनार वगैरह हो रहा है, कुछ हो रहा है, प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, या स्टडिंग हो सकता है, पढ़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उस दौरान मिले हो, ठीक है। आपके कॉलेज स्कूल के, आपके वर्क प्लेस के हो सकते हैं। ये पर्सन जो है ना, इनको पता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि अपने इमोशंस को छुपाते हो, इसलिए क्योंकि आप बहुत ओवरली इमोशनल पर्सन लगते हो इनको, ठीक है। तो जो बहुत ओवरली इमोशनल होते हैं वो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान होंगे, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस हैं, दूसरों के दुख दर्द को समझने की क्षमता है, आप बहुत रोमांटिक भी हैं और बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक पर्सन भी है। देखिए एक चीज़ है, इस पर्सन को पूरी तरह पता है कि आप इनके प्यार में पड़ चुके हो, और ये भी शायद इसी तरीके से आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है मे बी आपको वेडिंग प्रपोजल ही डायरेक्ट दे दें, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आपको हर तरीके से परख चुके हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि आप कैसे हो। तो ये पर्सन ना आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा इस पर्सन का मुझे इंटेंशन दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस पर्सन को आप कैसे लगते हो, मतलब इस पर्सन को आप उस तरह के इंसान लगते हैं जो कि कुछ अगर गलती हो गई तो उस गलती पे बैठ के रोते रहना, ठीक है, उस गलती पे बैठ के ज़्यादा अफसोस करना, परेशान रहना। तो ये बदलाव आपके अंदर एक देखना चाहते हैं, वो ये है कि जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ, ठीक है, और उसके बाद एक नई शुरुआत करो लाइफ में, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कर दें, पास्ट में या रिसेंटली कुछ भी हुआ है आपके साथ, घर में हुआ है, कोई अफसोस की बात हुई है, ग्रेट सॉरो हुआ है या फैमिली सॉरो हुआ है, ये चाहते हैं, ठीक है, कि आपके पास रहे, आपको संभाले, प्रोटेक्ट करे, आपको गिरने ना दें, ठीक है, और आपको आपके बुरे सिचुएशन से निकाल कर पॉजिटिव सिचुएशन में डालें। तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, निगेटिव एनर्जी में ना रहें, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी बहुत निगेटिविटी आपके अंदर नोटिस करते हैं, वो भी पास्ट को लेकर, ठीक है, मतलब इनको लेकर ये कभी निगेटिव नहीं सोचें। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके ये जो पर्सन है ये आपके ऊपर एहसान करे, आपको ऐसा फील होता होगा, लेकिन आपके पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉलिंग इन लव का कार्ड बार बार आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई दरार हो गया है, कोई टकराव हो गया है, अलग हो गए हो किसी रीज़न की वजह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अलग होना आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ग्रोथ लेकर आ रहा है। वो ग्रोथ क्या है पता है, सबसे पहले तो रिश्ता आपका बहुत इन्हांस हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जान रहे हो, और सबसे बड़ा ग्रोथ ये हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कभी ब्रेकअप नहीं होगा, हमेशा एक दूसरे के प्यार में पड़ोगे, और बहुत न्यू वे में, बहुत लविंग वे में प्यार में पड़ने वाले हो। और जो सबसे बड़ा ग्रोथ है वो ये है स्पिरिचुअल ग्रोथ का होना, चाहे आप दोनों कितने बार भी अलग हो, कुछ नया देखने को मिलेगा जब फिर से रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा। तो आगे आने वाले एक वीक के अंदर आपका रिकॉन्सिलेशन होगा इस पर्सन के साथ,
मतलब कि अगर कुछ भी टेंशन वाला बात चल रहा है तो वो टेंशन वाला बात ख़त्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हो और इनको खुद भी पता है कि आप भी इनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और क्या सोचते हैं आपके पर्सन? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे कॉम्पिटिशन करते हैं, ठीक है, या फिर लड़ाई झगड़े करते हैं तो उसमें भी आप कॉम्पिटिशन करते हैं। मतलब हो सकता है कि आपने बहुत बार इस पर्सन को नीचा दिखा दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। मतलब यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कहना चाहते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट बनेंगे, ना कि कॉम्पिटिशन फील करेंगे। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है आपके सामने बहुत बार इन्फीरियर फील किए हैं, लो फील किए हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील कर लिए हो। तो यहाँ पे ना थोड़ी कंपटीशन वाली भावना आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, जैसे पैर खींचने वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स और आपके पर्सन आपको ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया में अगर तुम्हें कॉम्पिटिशन करना है तो किसी और से करो, लेकिन मेरे साथ नहीं करो। उसके बाद यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप अपना कंपैरिजन इनके घर वालों से करते होंगे, इनके फैमिली वालों से करते होंगे, ठीक है। तो ये सब भी नहीं चाहते हैं आपके पर्सन। ये कहना चाहते हैं कि तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे इनक्रेडिबल हो, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। और ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप इनकी रिस्पेक्ट करें, आप इनकी कदर करें, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, ठीक है, आप इनके साथ हो। उसके बाद इनकी एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ मतलब जब भी होते हैं तो एक यूनिटी सा फील होता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, लेकिन अगर कोई तीसरा पर्सन आ रहा है तो आप दोनों मिलके उसको भगा देते हो। आप इस पर्सन को ना कह सकते हैं एक मेंटोर जैसे भी लगते हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर फील्ड में, लेकिन कुछ चीज़ों में आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। जैसे ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट आपका इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, जैसे आपका ट्रेडिशनल होना, रिलीजन को फॉलो करना, सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, प्यार करना, बुक्स पढ़ना, ठीक है, ये सब आपके अंदर अगर है तो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना, उस गेटअप में देखते हैं तो ये पर्सन आपके ऊपर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेटली आप इस पर्सन को इंडिपेंडेंट और एक्सपीरियंस्ड इंसान लगते हो। इनको ऐसा लगता होगा कि आपके पास्ट के बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हैं और उस पास्ट रिलेशनशिप में आपने बहुत सारे दुख दर्द, खुशी, इंजॉयमेंट, ठीक है, रोमांस, हर चीज़ एक्सपीरियंस किया है, ये सब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। उसके बाद इस पर्सन को आप एक रियलिस्टिक इंसान लगते हैं, धोखेबाज इंसान नहीं लगते हो। मतलब आप हो सकता है कि इस पर्सन से अपनी सारी बातें शेयर कर चुके हो, अपने पास्ट के बारे में ए टू जेड, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत कुछ सोचते हैं, साथ साथ इनको आपका हंसाने का तरीका, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और इंटेंशन क्या है देखते हैं, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इंटेंशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पर पहुंचेंगे और जीमेल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड अवेयर रहिएगा। और पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है तो किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये चाहते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो ये चाहते हैं कि एक बार मैं खड़ा कर लूँ, एक सॉलिड फाउंडेशन में क्रिएट कर लूँ, बहुत सारे पैसे धन दौलत मेरे पास हो जाएं और जो मेरे पैसे धन दौलत होंगे वो सब तुम्हारे होंगे, वो सब मैं तुम्हारे ऊपर डिछावर करूँगा और जो मेरे लग्जरियस कार होंगे उसमें तुम बैठोगे, वो तुम चलाओगी या तुम चलाओगे, ठीक है, मैं तो तुम्हें देखूँगा। तो इस तरीके से इस पर्सन का आपके लिए ड्रीम है, सपना है, मतलब जो भी ड्रीम्स, जो भी सपना देख रहे हैं वो आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। रिश्ते में कैसा चाहते हैं रिश्ता? तो एक एस्टैब्लिश एंड रिलायबल लव चाहते हैं, मतलब खुद भी खुश हैं और साथ साथ आपको भी खुश रखे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद और क्या चाहते हैं इस रिश्ते में देख लेते हैं। द एम्प्रायर की एनर्जी है, इस रिश्ते का जो डोर है वो ये पर्सन संभाल लेना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते को अच्छे से संभालूँ, प्रोटेक्ट करूँ और तुम बस मुझे प्यार करो, पैम्पर करो, इस तरह का इस पर्सन का सोच हो सकता है। और ये पर्सन जो है सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहते हैं इस रिश्ते में। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी स्ट्रगल या जो भी सेक्रीफाइस करना है वो चाहते हैं कि मैं कर लूँगा, बस तुम सपोर्ट में रहो। उसके बाद है ओके, दैट्स ग्रेट, ये पर्सन आपको अपना लवर मानते हैं, मतलब कि ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये पर्सन आपके साथ ही सिक्योरिटी, स्टेबल लाइफ चाहते हैं, ठीक है, अपना अफेक्शन, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, जितना कुछ भी है वो आपके साथ ही शो करना चाहते हैं। उसके बाद ये पर्सन जो है आपको एक कमिटेड
लव कमिटेड मैरिड लाइफ कमिटेड रिलेशनशिप देना चाहते हैं, आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, इसमें कोई शक नहीं है। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके थ्री ऑफ कप्स, मतलब ये अपने लाइफ में जितना भी ग्रो करेंगे, जितना भी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, वो सारा ग्रोथ का क्रेडिट आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी कभी ज़रूरत पड़े तो इस रिश्ते में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। ये आपके साथ ही ग्रोथ देखना चाहते हैं। यहाँ कभी कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ इनको मिला या फिर कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला तो उसमें आपके साथ ही ये पर्सन सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके लाइफ को, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, ठीक है, सभी से मिलवाना चाहते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स से मिलवाना चाहते हैं और अपने लाइफ को सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, तो वो आपके साथ ही, ठीक है, ये चीज़ है। और मुझे फ्यूचर भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। देखते हैं फ्यूचर आप दोनों का कैसा होगा। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, कैसा फ्यूचर होगा, प्लीज़ गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहली बात, ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे साथ में, लर्निंग एक्सपीरियंस, इसमें कोई शक नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला है। अगर थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो वो भी आपका एक्सपीरियंस ही होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माई गॉड, फ्यूचर देखिए आप दोनों के बीच का क्या है, होली लव है, ट्रू लव है। सभी लोग कमेंट में लिखिए होली लव क्लेम कीजिए। यस डेफिनेटली, जिससे आप प्यार करते हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिनको सोच कर पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं ना, उनके साथ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि पहली बात तो उनके साथ आपका लव है जो कि होली है, पवित्र है, सेक्रेट लव है, और उसी पर्सन के साथ आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी देखते हैं, देखिए आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार और कंपैशन होने वाला है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दया होने वाली है, जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए गार्जियन हो। एक माँ के दिल और दिमाग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है अपने बच्चों को लेकर। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के दिल और दिमाग में भी आपके लिए क्या होगा, कंपैशन होगा, प्यार होगा, दया होगी। और यहाँ पे एक लास्ट कार्ड है, वो है ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। इस रिश्ते में चाहे अभी कितना भी लड़ाई झगड़े हुए हों, चाहे कितने भी तनाव आए हों, लेकिन आप दोनों के इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी होगी और एकदम ओपन कम्युनिकेशन होगा। एक एक बातें शेयर करना, अच्छे से टाइम स्पेंड करना, अच्छे से साथ में रहना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि आप चाहते होंगे कि मेरे पर्सन जो है मुझे एक एक सारी बातें बताएं, ठीक है, और ऑनेस्टी के साथ, ट्रुथ के साथ, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, आपके पर्सन का भी एक्सपेक्टेशन है कि आप ही उनसे हर एक चीज़ें बातें बताएं ऑनेस्टली और अच्छे से कम्युनिकेशन रखे, तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं ये पर्सन आपको। ओके, आज से तेरी, और देखते हैं कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। खुद को तेरे पास, ओके, जालिमा, और देखते हैं। ओके, दिन ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। पहली भी मैं एनिमल का सॉन्ग है, एनिमल मूवी, पल पल दिल के पास। एक लास्ट और देखते हैं, वो है आपका दिस वन, बन जा तू मेरी रानी, ठीक है। ये सारे सॉन्ग्स जो है आपके पर्सन आपको अभी के अभी डेडिकेट करना चाहते हैं, आपके जो करेंट पर्सन है या फिर आपके दिमाग पे, दिलो दिमाग पे जो छाए हुए पर्सन है, ये सारे सॉन्ग्स आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए प्लीज़ आप सभी लोग, ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए। और पॉजिटिव कैसे होंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है, अलाइन हो जाइए। ओके, यहाँ पे सबसे पहले कहना चाहते हैं, व्हाई आई डिडंट स्पीक अप व्हेन आई हैड चांस। मतलब अफसोस बहुत है इस पर्सन के मन में, अगर आपको ये खो चुके हैं या फिर किसी कारण की वजह से अलग हैं तो मन में अफसोस है, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे एक चीज़ है कि थोड़े से ये पर्सन है वैसे लाइक इगोइस्टिक, मतलब सभी का अपना एक रिस्पेक्ट होता है, इसलिए कहना चाहते हैं आई विल नॉट बेग यू टू स्टे, मैं कभी तुम्हारे सामने बेग नहीं करूँगा, ठीक है। उस टाइम हो सकता है इन्होंने ऐसा बोला, लेकिन अब इनको अफसोस हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि मुझे बेग ही कर लेना चाहिए था, ठीक है, रोकने के लिए। लेकिन ये कहना ये भी चाहते हैं कि मैं बेग क्यों करूं, जब तुम मुझसे भी प्यार करती हो, तुम्हारे दिल में भी इक्वलिटी है, ठीक है, इक्वल लव है, तो फिर बेग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे अंदर जितना तड़प है तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए और तुम भी वैसे ही चली आओगी जैसे मैं आ जाऊँ, ठीक है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं आई हैव लॉट्स ऑफ पर्सनल इशूज़ आई नीड टू वर्क ऑन। यहाँ पर ये पर्सन कहना चाहते हैं ना कि हाँ, मैंने तुमसे दूरी बनाई, मैंने मूव ऑन किया,
ठीक है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे पर्सनल इशू थे और उस पर मुझे वर्क करना था, ठीक है। और यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं, आई लुक फॉर यू इन एवरीवन, मैं हर एक इंसान में तुम ही देख पाता हूँ, तुम्हारे चेहरे को ही नोटिस करता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये कहना चाहते हैं लास्ट में जाते जाते, आई ट्रीट यू बैडली, आई एम सॉरी, मैंने बहुत बुरा व्यवहार तुम्हारे सामने किया, तुम्हारे साथ किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और चलो मिलकर एक नई शुरुआत करें, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, पर्सनल डिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है ना। और कैसे कर सकते हैं तो मैंने शो कर दिया है जीमेल एंड इंस्टा आईडी स्क्रीन पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।